गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने दुनिया में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग थोड़ा बहुत कर रही हूँ। आप लोगों में से बहुत से दोस्त बोल रहे हैं कि रेगुलर ब्लॉग कीजिए, तो अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है मैं क्यों नहीं बता रही हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। अभी देखिए सब जगह काम ही काम चल रहा है, जो भी होगा वो दिखाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा जा रही हूँ, घास निकालूंगी। मूली बोए थे हम लोग, मूली पूरा घास से कीड़ा पूरा सब कीड़े खा गए। खेतों का जितना सामान था ना 20 दिन में, सब 20-22 दिन हो ही गया, आज 20-22 दिन से ज़्यादा ही हो गया होगा, हैं सब खा गए कीड़े घास के वजह से। एक भी कीड़ा कोई भी चीज़ छोड़े नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ फिर से दोबारा मूली थोड़ा सा बो दूँ, खाने भर का हो जाएगा। इस वाले में मूली बोए थे हम लोग, लेकिन किसी काम का नहीं है, सब बर्बाद हो गया मूली। ये देख रहे हैं सब साग वग सब फूट गया, खराब हो गया, साग भी खा नहीं पाए। उगा तो लिए थे, खा नहीं पाए। लेकिन अब तार उधर तक आ गया है, कुछ वहाँ से बांध के निकालना रह गया। ये फार्म हाउस में भी थोड़ा सा काम चल रहा है। इतना मेहनत करने के बाद भी दोस्तों यहाँ रहने का इच्छा नहीं कर रहा, मर सा गया है। जैसे लग रहा है कि खुशियों में ना किसी की नज़र लग गई है। अब देखिए ये जो फल है, फल लगा हुआ पेड़ नीचे गिर जा रहा है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कैसे हो जा रहा है ये सब। हाँ, और उसके बाद फल सारा खराब हो जा रहा है, तो इस सब से बड़ी दुखी हैं हम लोग। हाँ, अब सोच रहे हैं कि अब जो भी हो रहा है हो ही रहा, क्या करिएगा। अगल बगल का खेत देखिए कैसे साफ हो चुका है, देख रहे हैं। हम लोगों के खेत में पूरा घास उग चुका है, क्या होगा बताइए। तो सबका खेत साफ हो गया, खेत साफ करेंगे तभी तो आने वाला टाइम में कुछ ना कुछ बोया जाएगा। तो मैं भी ये टूल लेके आ गई हूँ, थोड़ा सा घास निकालूंगी। उंगली में अभी भी दर्द ठीक नहीं है, पता नहीं अब देखिए क्या होता है। यहाँ का डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। जो दोबारा गई थी मैं, तिबारा गई थी, बोल रहे हैं कि समय लगेगा। ये वाला उंगली ना यहाँ से बैंड होने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इसी बीच में आप लोगों को कुछ बताना भी था पर मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जब होगा तो आप लोग खुद ही देखिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अनीता जी की दुनिया में। तो हमारे छोटे से दुनिया में हमारे सारे दोस्तों का वेलकम है। और आज का ब्लॉग सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दी हूँ, और देख रहे हैं अभी हम लोग जाएंगे फार्म हाउस में चाय पीने। बिस्किट वगैरह आ गया है, संदीप जाके ले आया है। चलो, वहीं बुआ वहीं पे खेत में है, इधर इधर चले खेत में। एक बाल्टी चाय बना है। बंद कर दे। आ गए भाई, शॉर्टकट रास्ता से आ गए घर, फार्म हाउस घर पे बोलने वाली थी। फूल खिले हैं, फूल खिले हैं। अब फार्म हाउस में लोग बैठे हैं। आई देखा तारा खाती एक बाल्टी चाय बना ले बनी। चिकन का दलवाड़ी नीचे ढक के डालोगा। अबे अमरूद है, नींबू भाई, मजा आएगा। ये छोटा छोटा साग है, यहाँ से घास निकाली है इसकी बुआ, इसकी मामी। हमारा जी खूब हंसे लेसन वीडियो देख, मनीषा हमार कहे ले कि मम्मी उ जानी न, हां सोए नी, हां मां कुछ भी करे नी हम तक। हल्का सा घुमाओ, ये वीडियो हमरा दिल्ली देखे ले लो तो उ कहे छ सब्जी कहां थे ओ का वही। हां उ थोड़ा आप ये लोग देखे ले हमरा बगल के, देख लो हम एक बार। तो सब्जियां अभी तोड़नी है,
कंठ देख रहे हैं कितना खिला है। भौरा भी आया है, दो दो भौरा आया है। मामी वाले ने थोड़ा सा उठा दी क्योंकि पीछे का वो तनाई बनाए आंटी आ गए लोग। चिचिंडा एक ही होगा है। देख रहे हैं यहाँ स्वाद लिया जा रहा है, मस्त मस्त चीज बन रहा है। इधर भुट्टा पक रहा है, पक्के इधर हम लोग खा भी रहे हैं। अभी सब लोग खाएंगे लहसुन हरी मिर्च नमक तेल। स्पेशल रेसिपी है स्पेशल भाभी का। इधर राजकुमारी जी देखिए कैसे पका रही है, पंखा इधर लगा हुआ है, अब पक गया है। ठीक है, नून मिर्च डाल के खाते हैं। हाँ, सब कुछ चीख रहा है। फूल है, ब्यूटी फूल है, देख रहे हैं ब्यूटी फूल बता दी है राजकुमारी जी। ये देखिए हमको भी टेस्ट करने के लिए मिला है। रोटी से खूब अच्छा लगे लगे, मस्त बना है। बिना नींबू का भुट्टा खा के देखो तब मजा आएगा। जल्दी जल्दी आओ संदीप, कहाँ बा प्लेट ले गई ली। पहले चख लो थोड़ा थोड़ा, वो तो नहीं बड़ा लेबा। भैया ये लेके आओ, चाय पी लो, भुजा बना है। दोबारा होगी, अरे दो ना दोबारा लेना अभी लो डार्लिंग तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। ये लो खाजा भी लाया हूँ, खा लेना। खा लेना के सारे आने खाजा नहीं है, इवेंट में दे दे खाऊं के ना ऐसा टाइम पे नहीं आईला खाने लगे। रोड पे पड़े हुए थे तो खेतों में टांग। अरे अभी गिरा था ये पेड़ से तो मैं हमने उठा लिया। मैं बोला चलो टोपी पहनाओ डार्लिंग, डार्लिंग टोपी भी पहन दो। चलो ये तरह की स्कूटी डाल हो जाएगी। अरे फंस गया डार्लिंग का बाल, फंस गया टंगली हो जाएगी डार्लिंग। यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है सभी के लिए, बन रहा है, बन रहा है पनीर, शाही पनीर बन रहा है। वो हमारा बढ़िया से बोले पे रहता था काला ऐसे खाते हैं। इतने दिन से इंतजार कर रहा था इस फल का, मिल गया तो थूकने से लग गया। ज्यादा मीठा था, ऐसे थोड़ी खाते हैं, उसमें से कच्चे में से निकलता है ना। अरे नहीं ये अभी ना ये पाकल है ना, नु निकले ला पाउडर बने ला है। हां एकर गुलगुला बने ला मौसम। हां बिना पकी नु तभी काट के खाइल जाला। हां ये पक गया है, ये पाकल बा एकर भीतर जम जम दे ना एक बार खाते मम्मी जी। अब एकरा के फिर काट के फिर तो तब खाएंगे। नहीं मामी अब नहीं खा रहा मैं, मामी खा रही है। खूब बढ़िया लगे बना का जानी है आदि के स्वाद की आदि को एक बार बना ले रहे के पापा इतना मस्त कच्चा में खा ला नु एक बन गए अंदर बा भुट्टा देंगे देखिए बन रहा है पनीर की सब्जी। आप लोग नहीं खाइए, हम लोग अपनी मामी की रेसिपी बना रहे हैं। ये ऐसे मस्त लगता है कूच करके, इतनी बड़ी ओपनिंग में बना रही हूँ।
कुछ टेस्टी चाहिए रवे लोग नहीं मिक्सी ज्यादा पीस देता है ना इसीलिए कल कहाँ से खाऊंगा था वही में दर्द रहा कहूँ ठंडा वगैरह में भुट्टा यहाँ पे पूरिया बन रही है बलमफार पूरी बन रहा है मामी बना रही है मामी बना रही है छोटी बुआ सो गई है नींद आ गया तो खा रहे हैं ठीक है भाई मैंने बनाई है तो फिर तो बुराई कर दो भाई सीरियल चल रहा है सास बहू चलता है यहाँ बुआ भतीजा मामी चल रहा है सीरियल है यहाँ तो हम तीन ही तीन ही प्लेट लाए हूँ हाँ हाँ ठीक है कैप्चर कैसे हुई कैप्चर कैसे